नमस्कार दोस्त। पिछले कुछ वर्षों में आयकर विभाग की कार्य प्रणाली में सब्सटेंशियल चेंजेस आए और उनमें से एक इम्पॉर्टेंट चेंज ये रहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करदाताओं के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने लगा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डोमेन में है। अब एक सामान्य करदाता के रूप में हमें पता नहीं चलता कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनके थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की जानकारी आती रहती है। से फॉर एन एग्जाम्पल, बैंक से आपने FD कराई तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलता है। बैंक में आपने कितना नकद जमा कराया, इसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रहती है। कौन सी प्रॉपर्टी आपने खरीदी, कौन सी प्रॉपर्टी बेची, कितने शेयर खरीदे, कैसे वो शेयर्स कितनी प्राइस पर बेचे, ऐसे दुनिया भर की इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डोमेन में आज की डेट में दोस्तों लगातार पहुंच रही है, बढ़ रही। अब इसका प्रभाव क्या होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके बोले या IT टेक्निक्स का प्रयोग करके बोले, उन्हें जो करदाताओं की इंफॉर्मेशन आती है उससे उन्होंने अपने यहां पर फ्लैग्स लगाने शुरू कर दिए इंफॉर्मेशन के कि ओके, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास करदाता की है, जरा उनसे पूछ लेते हैं कि उनका इस इंफॉर्मेशन पर क्या कहना। अब ये जो रॉकेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का लॉन्च हुआ, इसी में एक जो पार्ट है वो है हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन रिलेटेड रिपोर्टिंग के रिसेंट मैसेजेस जो करदाताओं को बहुत बड़ी मात्रा में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भेजे। अब एक सामान्य करदाता के रूप में यदि आप ये समझना चाहें कि आपको हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन का कोई मैसेज SMS के रूप में प्राप्त हुआ हो, उसे कैसे अटेंड करना है, तो मैं मानता हूं दोस्तों ये वीडियो मैंने इसी पर्पस को सॉल्व करने के उद्देश्य से बनाई है। एंड व्हाइल यू विल गो थ्रू द कमिंग स्लाइड्स यू मे बी एबल टू डेवलप योर विजन कि हमें हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग रिलेटेड कोई मैसेज चाहे मेल फॉर्मेट में या SMS फॉर्मेट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिला हो उस पर अपना जवाब कैसे दाखिल करना है। दोस्तों अब सबसे पहले आपके समक्ष ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से मैसेज आ रहा है ये किस प्रकार का होता है। जनरली अगर किसी व्यक्ति को मिला है बट फिर भी सबके रेफरेंस के लिए बात रखता हूं दैट द काइंड ऑफ मैसेज विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज सेंडिंग अटेंशन, यहां आपका नाम पैन आपका आगे लिखा होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज आइडेंटिफाइड सर्टेन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस विच डज नॉट अपियर टू बी इन लाइन विद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्ड बाय यू फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 रिलेटिंग टू फाइनेंशियल ईयर 22-23 यू कैन व्यू द ऑन कंप्लायंस पोर्टल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस करदाता को ये नोटिस आ रहा है उन्हें डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि साहब आपने रिटर्न भर दी लेकिन फिर भी हमें लगता है कि आपका एक हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है जो आपकी रिटर्न की सेहत से मैच नहीं कर रहा। अब यहां करदाता को शक क्या हो जाता है कि अरे साहब मैंने तो अपनी रिटर्न भर दी फिर भी मुझे इस प्रकार का मैसेज आ रहा है। तो मेरा आपको ये कहना है सर कि आपको सबसे पहले रिलेवेंट हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन तक पहुंचना है जो डिपार्टमेंट ने कैप्चर किए हैं और फिर उस हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन पर आपको अपना रिपोर्टिंग करना है और कैसे जाना है वहां तक वो भी लिखा है इसी मैसेज में। प्लीज सबमिट, दिस इज वेरी क्लियरली रिटन, प्लीज सबमिट योर रिस्पॉन्स ऑनलाइन अंडर ई-कैंपेन टैब ऑन कंप्लायंस पोर्टल और रिवाइज योर आईटीआर। तो ई-कैंपेन टैब पे जाकर के आपको रिपोर्टिंग करनी है या आप अपनी रिवाइज आईटीआर भी भरना चाहें तो आप रिवाइज आईटीआर भी भर सकते हैं। अब इन्होंने उसको जाने का एक पाथ भी बताया, आफ्टर लॉग इन टू द ई फाइलिंग पोर्टल प्लीज गो टू द पेंडिंग एक्शन टैब एंड क्लिक ऑन द कंप्लायंस पोर्टल, ऑन कंप्लायंस पोर्टल नेविगेट टू द ई कैंपेन टैब एंड व्यू कैंपेन टाइप हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन टू सबमिट योर रिस्पॉन्स। लेकिन वास्तव में ये विंडो कैसी दिखती है, कैसे पहुंचना है, वो भी आगे मैंने आपके सरल एक अंडरस्टैंडिंग के लिए डिस्कस किया है। दोस्तों देखिए, अगर आपको जैसा कि मैसेज में भी लिखा या आप इस प्रकार से प्रोसेस को समझना चाहें कि ओके अनूप जी मुझे जाना है रिपोर्टिंग के लिए क्योंकि मुझे भी इस प्रकार का एक मैसेज आया है, तो आप इनकम टैक्स लॉगिन करेंगे, यहाँ लॉगिन में आपका नाम, आपका पैन, आपका आधार डिटेल्स, आपका मेल ID वगैरह दिखाई देगा। साथ के साथ अब आपको जाना है पेंडिंग एक्शंस में, जैसा कि उस मैसेज में भी कहा गया, और पेंडिंग एक्शन में जाने के बाद में आपको कंप्लायंस पोर्टल की ओर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंप्लायंस पोर्टल पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको एक नेक्स्ट विंडो आएगी,
दिस नेक्स्ट विंडो में दोस्तों आपको एक मैसेज मिलेगा, ऑन क्लिक ऑफ द प्रोसीड बटन यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द कंप्लायंस पोर्टल। ये जिस इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर आप गए हैं उसके अलावा दूसरा पोर्टल है जिसे कंप्लायंस पोर्टल नाम दिया गया है। यू विल बी लीविंग ई फाइलिंग पोर्टल एंड एक्सेसिंग द कंप्लायंस पोर्टल ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एंड अगर कोई डिफिकल्टी हो तो आप यहां पर संपर्क करें। फाइनली आपको यहां पर प्रोसीड पर क्लिक करना होगा ताकि आप कंप्लायंस पोर्टल की ओर बढ़ पाए। यहां दोस्तों देखिए, अब ये कंप्लायंस पोर्टल एक अलग पोर्टल है, ये खुल गया। इस कंप्लायंस पोर्टल पर आपको AIS, ई कैंपेन, ई वेरिफिकेशन, नोटिस संबंधी जानकारी मिलेगी। अभी के लिए जिनको भी ये मैसेज आया है उन्हें ई कैंपेन के अंदर जाकर के फिलअप करना है, तो उन्हें कहां पर क्लिक करना है? ई कैंपेन पर क्लिक करना पड़ेगा। इस ई कैंपेन पर जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद अब आपको एक नई विंडो मिलेगी। इस नई विंडो में अगेन आपका पैन, आपका आधार, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, किस असेसमेंट ईयर के लिए आपके ई कैंपेन में इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, ये किसने जारी करी, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन से हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है, कौन से असेसमेंट ईयर के लिए है, किस दिन डिपार्टमेंट ने ये मैसेज इशू किया है, आपकी रिस्पॉन्स के लिए डिपार्टमेंट क्या मान रहा है, और अभी उस ई कैंपेन के अंदर जो आपसे इंफॉर्मेशन मांगी है उसका स्टेटस है पेंडिंग। अगर आप सबमिट कर देंगे तो सबमिटेड का स्टेटस आपको दिखेगा, अभी के लिए पेंडिंग है तो हमें आगे बढ़ना है क्योंकि नाउ हाउ विल आई सबमिट द इंफॉर्मेशन इन दिस पर्टिकुलर पोर्टल। जैसे ही मैंने यहां पर क्लिक किया, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो मेरे लिए दिख रही थी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन फॉर्मेट में एंड पेंडिंग स्टेटस के साथ में, तो इन्होंने मेरे को बोला, पोर्टल ने, ई कैंपेन पोर्टल ने, कि फीडबैक ऑन इंफॉर्मेशन ऑन AIS, के AIS में एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको अनूप जी यहां पर फीडबैक देना है, और फीडबैक वहां पर देना है जहां पर आपको इस प्रकार का एक साइन मिलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड यानी डिपार्टमेंट यहां जहां पर आपको ये पर्टिकुलर लोगो दिख जाए, साइन दिख जाए, तो वहां पर आपको इंफॉर्मेशन आपसे रिक्वायर्ड है, यह समझना बहुत जरूरी है, और प्रोवाइड फीडबैक इन AIS पर आपको क्लिक करना है ताकि आप नेक्स्ट विंडो पर आगे बढ़े। अब फॉर एन एग्जाम्पल प्रेजेंट केस में प्रोवाइड फीडबैक ऑन AIS की बात करी, तो जैसे ही मैंने वहां पर क्लिक किया तो मेरे को फिर मैसेज आया, यू विल बी नेविगेटेड टू द AIS व्यू नाउ। अब आपको AIS दिखाया जाएगा। द इंफॉर्मेशन ऑन विच फीडबैक इज रिक्वायर्ड अंडर दिस ई कैंपेन इज मार्क्ड एज एक्सपेक्टेड, प्लीज नेविगेट बैक टू द ई कैंपेन होम पेज टू कंटिन्यू द ई कैंपेन रिस्पॉन्स सबमिशन। वंस द फीडबैक इज सबमिटेड ऑल इंफॉर्मेशन मार्क्ड एज एक्सपेक्टेड, तो यहां पर आपको अब ओके पर क्लिक करना होगा। ओके पर क्लिक करने के बाद अब प्रेजेंट केस में हमारे को AIS पर फिलअप करने की बात आई, तो इन्होंने यहां पर वही सेम कंप्लायंस पोर्टल में मैं चल रहा हूं और मुझे AIS की ओर ले जा रहे हैं, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। यहां पर मुझे डाउनलोड पर अभी क्लिक नहीं करना है, केवल ये दिखा रहा हूं कि हाँ कनेक्ट कर रहे हैं AIS से, क्योंकि AIS के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वहां पर मुझे अपना फीडबैक देना है। ऐसा नहीं होता है। अब दोस्तों जैसे ही मैं AIS पर यहां पर क्लिक करता हूं, तो AIS पर क्लिक करने के बाद में मेरे को यहां पर ऑप्शन आएगा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट फॉर जो भी फाइनेंशियल ईयर है, से फाइनेंशियल ईयर 22-23, यहां पर मुझे क्लिक करके आगे बढ़ना है। यहां ध्यान से देखिएगा कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में मुझे यहां पर जो भी मेरा पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है, मेरे पैन, मेरा आधार नंबर, मेरा नाम, मेरा डेट ऑफ बर्थ, रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, देन यहां पर फाइनेंशियल ईयर दिखेगा। ये पांच बड़े इंपॉर्टेंट हेड है, TDS, TCS, उसके बाद SFT, इसके बाद में दोस्तों पेमेंट से रिलेटेड डिटेल, एंड देन इसके साथ साथ डिमांड या रिफंड की डिटेल और अदर इंफॉर्मेशन। मेरी ओपिनियन में ये जो तीन TDS, TCS से रिलेटेड डिटेल, SFT रिलेटेड डिटेल और अदर इंफॉर्मेशन, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। यूजुअली इन्हीं में आपका किसी पर्टिकुलर जगह पर वो जो रेड साइन अभी हमने देखा था एक लोगो काइंड ऑफ, वो आपको दिखाई देगा जहां पर आपको अपना फीडबैक देना होगा। सो आपको थोड़ा सा मेहनत करके उस साइन को यहां पर ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों मान लीजिए प्रेजेंट केस में जो एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने रख रहा हूं, वहां मुझे अदर इंफॉर्मेशन में जाने पर भी ये पर्टिकुलर
ई करके एक लोगो मिलता है जैसा मैंने पहले आपको दिखाया, उसमें उन्होंने रिपोर्ट किया कि ओके देयर इज सम आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंस। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन का कोड है कि एसएफटी के अंदर ये पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर कोड के साथ में ये इंफॉर्मेशन आई है, आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंस रिपैट्रिएशन ऑफ नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स एक्सेट्रा, कौन से बैंक के थ्रू किया, कितने ट्रांजेक्शन्स हैं और अमाउंट का डिस्क्रिप्शन क्या है, रेमिटेंस का अमाउंट, यहां पर आपको अमाउंट लिखा मिलेगा। असेसी को सब्सिक्वेंटली इनमें से एक एक पर क्लिक करना पड़ेगा, तो आप यहां पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने से आपको एक नेक्स्ट विंडो मिलेगी जहां पर आपको अपना फीडबैक देना है। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि आपने क्लिक किया, यहां पर क्लिक करने के बाद में आपको एक एक्सपांडेड विंडो मिली, यहां पर ये फीडबैक का ऑप्शन और उसके साथ में रिलेवेंट ट्रांजेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है कि रिलेवेंट ट्रांजेक्शन कौन से आपको जगह से रिपोर्ट हुआ डिपार्टमेंट को, डेट ऑफ रेमिटेंस क्या थी, कंट्री ऑफ रेमिटेंस कहां पर वो कंट्री गई है, रेमिटेंस का अमाउंट कितना है, अभी ये स्टेटस इस ट्रांजेक्शन का एक्टिव आ रहा है और आपसे उस पर फीडबैक अभी एक्सपेक्टेड है। आप चाहें तो बल्क फीडबैक भी, यानी एक जैसी एंट्री है तो आप बल्क फीड के लिए फीडबैक के लिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपको लगता है कि नहीं मुझे एक एक पर फीडबैक देना है तो आप एक एक पर भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। यहां पर आप देखिएगा कि मेरा जो एक एक ट्रांजेक्शन है, मैं उस ट्रांजेक्शन पर फीडबैक देने के साथ साथ कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन भी मिल सकते हैं जहां पर आपको रेड साइन ना मिले और आपको एक ऑप्शनल फीडबैक के लिए कहा जाए। कहने का मतलब यह दोस्तों, जो पिछले ट्रांजेक्शन थे वहां फीडबैक एक्सपेक्टेड लिखा है, आपको फीडबैक देना ही देना, पर कुछ ऐसे भी ट्रांजेक्शन हो सकते हैं जैसे सेल ऑफ सिक्योरिटी रिलेटेड भी यदि किसी करदाता के ट्रांजेक्शन है, पिछले केस में जो मैंने आपके समक्ष रखा वहां फॉरेन रेमिटेंस का मामला था, और यहां पर आप देखेंगे तो आपके पास में जो केस ट्रांजेक्शन है वो है सेल ऑफ सिक्योरिटी, तो यहां पर एक फीडबैक का ऑप्शनल आपको विंडो मिला, आप चाहें तो फीडबैक दें चाहें तो ना दें, पर जहां एक्सपेक्टेड लिखा है वहां आपको फीडबैक देना ही पड़ेगा, यह समझ रखना बहुत जरूरी है। अब उदाहरण के लिए आपके समक्ष मान लीजिए मैं ऐसा बोलूं कि एसएफटी में भी मैं गया किसी करदाता के और वहां पर मैंने चेक किया तो साहब वहां इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक रिलेटेड फीडबैक मांग लिया, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट रिलेटेड फीडबैक मांग लिया, फिर इसका जो रिलेवेंट कोड है, कौन से बैंक से आपको इंटरेस्ट आया, कितना अमाउंट का इंटरेस्ट आया, तो प्रोबेबली डिपार्टमेंट ये मानस रखता है कि आपने अपनी आईटीआर में रिलेवेंट इंटरेस्ट इनकम को नहीं बताया, वो बताना पड़ेगा आपको। तो ये मैं फिर पुनः रिपीट करूंगा, आपको टीडीएस टीसीएस में, एसएफटी इंफॉर्मेशन में, अदर इंफॉर्मेशन में ऐसी डिटेल्स मिल सकती हैं जहां पर आपको फीडबैक देने की आवश्यकता हो। दो तरीके का फीडबैक है, जहां एक्सपेक्टेड लिखा है फीडबैक देना मस्ट है, और जहां ऑप्शनल लिखा है वहां फीडबैक दे तो अच्छा है, नहीं दे तो भी कोई कंपल्शन नहीं। अब एक अल्टीमेट बात जो हमें समझनी है कि फीडबैक देना क्या है, यानी फीडबैक के क्या कोई ऑप्शन है, क्या मुझे अपनी कहानी लिखनी है? नहीं सर, आपको फीडबैक में कोई अपनी स्टोरी नहीं लिखनी, केस को एक्सप्लेन नहीं करना। जैसे ही आप फीडबैक के टाइप पर जाएंगे तो आपको फीडबैक सेलेक्ट करना है, आइदर द फीडबैक विल बी इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, आप एग्री करते हैं कि हाँ ये इंफॉर्मेशन मेरी सही है, ट्रांसफर नॉट इन द नेचर ऑफ सेल, जैसे कई बार हम प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट करते हैं पर ट्रांजेक्शन रिपोर्ट हो गया क्योंकि मैंने किसी व्यक्ति को गिफ्ट करी तो वो ट्रांजेक्शन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की वजह से रिपोर्ट हो गया, तो मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये ट्रांसफर सेल का नहीं, इनकम इज नॉट टैक्सेबल, कि कोई पर्टिकुलर सपोज एनआरई का इंटरेस्ट, एनआरई खाते का इंटरेस्ट किसी का रिपोर्ट हो गया तो वहां पर असेसी कह सकता है ये इनकम मेरी टैक्सेबल नहीं है। इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुली करेक्ट, आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन पूरी करेक्ट नहीं है, कितनी करेक्ट है आप वो ऑप्शन ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पैन, जैसे कई बार प्रॉपर्टी जॉइंट में परचेस करी हस्बैंड और वाइफ दोनों ने, पैसे केवल वाइफ ने दिए हस्बैंड ने दिए ही नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में हस्बैंड को अगर ये ट्रांजेक्शन के लिए नोटिस आता है तो हस्बैंड कैन से कि ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन में पैन मेरा नहीं चलेगा, मेरी वाइफ का चलेगा। ऐसे ही अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन ही गलत, कई बार सोर्स से इंफॉर्मेशन गलत चढ़ जाती है तो आप इंफॉर्मेशन इज डिनाइड के ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो आपको इनमें से किसी एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है बहुत सोच समझ करके। दूसरी बात यह कि अगर आप कोई रिस्पॉन्स इसके अलावा फीडबैक फॉर्मेट में राइटिंग में देना चाहें तो ऐसी कोई जगह यहां पर नहीं है, आपको इन्हीं में से एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। मैं ये जरूर आपको सजेस्ट करूंगा कि आप राइट ऑप्शन के सिलेक्शन में अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट की राय अवश्य लें ताकि किसी प्रकार की गलती की संभावना ना रहे।
अब दोस्तों जब आप इस फीडबैक को दे रहे हैं ई कैंपेन के संदर्भ में, तो कुछ प्रिकॉशंस या करेक्टिव मेजर्स क्या हो सकते हैं वो भी आपके समक्ष रखता हूं। मैचिंग द डेटा विद आईटीआर, क्योंकि डिपार्टमेंट खुद कह रहा है कि आपके आईटीआर से उनको यहां पर कुछ मिसमैचिंग दिख रही है, तो आपको ये देखना है कि ये जो ट्रांजेक्शन रिपोर्ट हुए हैं, हमारी जो आईटीआर ऑलरेडी फाइल्ड है या नहीं फाइल करी और फाइल करूंगा, क्या प्रॉपर रिपोर्टिंग हो रही है आईटीआर में या नहीं इन ट्रांजेक्शंस के संदर्भ में। रिस्क ऑफ फिलिंग रॉन्ग ऑप्शन, थोड़ा सा इस बारे में सतर्क रहिए कि कहीं रॉन्ग ऑप्शन क्लिक ना हो, उसके लिए आपको प्रोफेशनल एडवाइस लेनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। फाइलिंग अ बिलेटेड आईटीआर, अगर आपने रिटर्न ही नहीं भरी और ऐसे ट्रांजेक्शन रिपोर्ट हुए हैं, तो आप बिलेटेड रिटर्न भरने के बारे में भी, जैसे असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए 31 दिसंबर 2023 आईटीआर भरने की लास्ट डेट होगी, तो आप चाहें तो अपनी आईटीआर यदि नहीं भरी और ऐसे ट्रांजेक्शन रिपोर्ट हैं तो वो काम करिए। फाइलिंग अ रिवाइज आईटीआर, अगर आपने रिटर्न भर दी और आपको लगता है अरे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट छूट गया, एफडी का इंटरेस्ट छूट गया, कोई प्रॉपर्टी बेची थी उसका कैपिटल गेन रिपोर्ट होने से छूट गया, तो आप रिवाइज रिटर्न भरने के बारे में सोचें। जिनकी रिलेटेड रिटर्न रिवाइज रिटर्न भरने की टाइम लिमिट निकल गई है दोस्तों, उन्हें सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A में अपडेटेड रिटर्न भरने का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से राय करके अपडेटेड आईटीआर के बारे में भी विचार कर सकते हैं। फाइलिंग एन आईटीआर विद डिले कंडोनेशन, और अगर अपडेटेड रिटर्न भी नहीं भरनी या टाइम निकल गया, तो मैं यहां तक एडवाइस कर सकता हूं कि आप डिले कंडोनेशन की रिक्वेस्ट जो कि जुरिसडिक्शन सीआईटी को लगती है, उसके साथ एक आईटीआर भरने का ऑप्शन भी विद द हेल्प ऑफ योर कंसल्टेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट जो मुझे लगे यहां पर मैंने जोड़े। मैं दोस्तों ये कहूंगा कि ट्रांजेक्शन को देखने के अपने अपने नजरिए हो सकते हैं, तो इसलिए यहां पर आपको कुछ गॉगल्स की भी फोटो हो सकता है मेरे साथ में दिख रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जरूरी नहीं है हर ट्रांजेक्शन का फाइनेंशियल इंपैक्ट हो, पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वहां पर कुछ ना कुछ इनकम टैक्स एंगल समझता है जो आपकी ओर से रिपोर्ट नहीं हुआ, इसलिए आपको ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करा। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी ने क्रेडिट कार्ड से 20 लाख का पेमेंट किया और सैलरी इनकम 7 लाख रिपोर्ट करी, तो डिपार्टमेंट को लग रहा है भाई आप 20 लाख क्रेडिट कार्ड से खर्च कर रहे हैं, इनकम 7 लाख दिखा रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि अनुप जी मान लीजिए मैंने तो वास्तव में 20 लाख के ट्रांजेक्शन किए क्रेडिट कार्ड से, क्योंकि दोस्तों ने मेरे को वो पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड मेरा यूज किया था, तो अब मैं क्या करूं, ट्रांजेक्शन एग्री करूं या डिसएग्री करूं? आपको एग्री करना पड़ेगा, लेकिन फिर अगला क्वेश्चन आएगा, क्या अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका असेसमेंट तो नहीं खोल देगा? देखिए दोस्तों, असेसमेंट खोलना नहीं खोलना वो डिपार्टमेंट का प्रेरोगेटिव है, आपको आपने टैक्स कंसल्टेंट की राय से एक होमवर्क करके रखना है कि ठीक है साहब, मैंने क्रेडिट कार्ड यूज किया, 20 लाख के लिए मेरा क्रेडिट कार्ड यूज हुआ, मेरी इनकम 7 लाख है, तो मेरे ऐसे 5-10 मेन जने जिन्होंने मेरा क्रेडिट कार्ड यूज किया, क्या मेरे पास उनकी कंफर्मेशन है? अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी तो उसके सोर्सेस का मेरे पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है? क्या मेरे खाते में यदि कैश जमा हुआ तो उसका मेरे पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है? अगर इंटरेस्ट इनकम रिपोर्टेड है इधर ई कैंपेन में, लेकिन मैंने आईटीआर में नहीं बताई, आईटीआर नहीं फाइल करी, तो उसका मेरा क्या रिस्पॉन्स है? इन सब बातों पर मेरा मानना है दोस्तों कि आपको अपना रिस्पॉन्स प्रॉपरली तैयार रखना है, कि कल अगर इनकम टैक्स का असेसमेंट खुले, ये जरूरी नहीं है ई कैंपेन में अगर आपको नोटिस आया है तो आपका असेसमेंट खुलेगा, पर यदि कोई असेसमेंट खुलता है तो आज आपको डिपार्टमेंट ने सावचेत किया है, आप इसका एक अपॉर्चुनिटी के रूप में इस्तेमाल करके भविष्य के लिए अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपरली तैयार करके यदि रहेंगे, तो आई होप दैट विल बी अ यूजफुल स्टेप which I can suggest with the help of this video. So with this, my dear friends, I would like to end my today's video, and I hope that this video would be helpful to you. Thank you very much for being with me. Wishing you all the best. Jai Hind.